यूपी के गाजियाबाद जिले में चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ रहा है। इसकी वानगी आए दिन हो रही वारदातों से बखूबी देखी जा सकती है। ताजा मामला थाना इंदिरापुरम इलाके से सामने आया है। यहां चोरों ने कई ई रिक्शा की बैटरियों पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल ये मामला ग्राम कनावनी पुस्ता पार डूब इलाके का है। यहाँ आज ई रिक्शा चालकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चालकों को ई रिक्शा में से बैटरी गायब नजर आई, जिसके बाद चालकों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस से मामले के खुलासे की मांग की। ये ऐसे रिक्शे चोर के लिए बैटरी लिखा ले गया, रात को मैं यहाँ रहता हूँ और ये बैटरी चोर। कहाँ का मामला है, कहाँ रहते हो? करामनी गांव में। करामनी गांव गौतम पटना। कब ले गए रिक्शा चोर? रात को तीन बजे उठकर देखा हूँ तो अभी बैटरी थी, अभी सुबह देखा तो बैटरी नहीं है गाड़ी में, तीन बैटरी गायब है। रात को चार्जिंग पे लगा के सोए थे? हाँ, चार्जिंग लगा सोए। पूरा मामला रात को गाड़ी चार्ज लगा के सोया था और गाड़ी की बैटरी चोरी गाड़ी। रात को चार्जिंग में लगाया था, सुबह उठ के चार्ज था, बैटरी नहीं थी। बहरहाल लगातार हो रही चोरी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ जहां पुलिस लगातार पेट्रोलिंग की बात करती है, वहीं चोरी के मामले बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे हैं।